हेलो दोस्तों, यूगेट एक बहुत ही बढ़िया डाउनलोड मैनेजर है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस यूगेट डाउनलोड मैनेजर से कैसे आप किसी भी फाइल को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इस यूगेट डाउनलोड मैनेजर को कैसे आपके लिनक्स में इंस्टॉल करना है, तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूगेट में किसी भी फाइल को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है और दो एक सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आप मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड भी पा सकते हैं। पहले हम जिस भी फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं उसका डाउनलोड लिंक हमें कॉपी करना होगा। तो किसी भी फाइल का डाउनलोड लिंक हम कैसे कॉपी करें, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। अब आप जिस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ Ubuntu का वेबसाइट खुला हुआ है और मैं Ubuntu का 20.04 LTS इस वर्जन को डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने की थोड़ी समय ही बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक ऐसा ही बोर्ड दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, सेव फाइल में क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जब भी आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ऊपर देखेंगे एक डाउन एरो दिखाई देगा और आपका डाउनलोड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इस डाउनलोड को आपको कैंसिल करना है। जब ही आप इस डाउनलोड को कैंसिल कर देंगे तब ब्राउजर से डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। अब इस फाइल का जो लिंक है वो कॉपी करना होगा। कैसे, इस फाइल में आपको राइट क्लिक करना होगा और कॉपी डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर देना होगा। तो क्या होगा, आपका जो डाउनलोड लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। अब देखिए, यूगेट का जो इंटरफेस है वो ऑटोमेटिक ओपन हो गया है और जो उसका लिंक है वो कॉपी होके इस URI पोर्शन में आ चुका है। अगर आपका यूगेट डाउनलोड मैनेजर पहले से स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये शायद नहीं आ सकता है। उसमें क्या होगा, मैं फिर से आपको वो भी दिखा देता हूं। तो फिर यूगेट को पहले हम बंद कर देते हैं। अब चलिए हम यूगेट को ओपन कर लेते हैं। ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल में न्यू डाउनलोड करके एक ऑप्शन आएगा। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो प्लस साइन आएगा इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर URI जो पोर्शन है वहां पे आपका डाउनलोड लिंक वो आ चुका है। और देखिए, दूसरा जो सेटिंग्स आपको चेंज करना है वो है फोल्डर। फोल्डर मतलब आप कौन सी फोल्डर में इसको, इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो अगर आप यही फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप फोल्डर को चेंज करना चाहते हैं तो साइड में जो फोल्डर का आइकन है उस पर क्लिक कीजिए और फिर आपने कंप्यूटर में जहां भी आप सेव करना चाहते हैं, जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए या और उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो मैं इसे डाउनलोड पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है वो है मैक्स कनेक्शन का। दोस्तों ध्यान रखिए, इस मैक्स कनेक्शन की सेटिंग्स को आपको जरूर जरूर चेंज करना है। इसको आप मैक्सिमम पे ले जाइए। कैसे ले जाएंगे, जो प्लस साइन है उस पे बार बार क्लिक करते रहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 16 है तो आप मैक्सिमम पे ले जाएंगे। इसको आप जितना ज्यादा रखेंगे आपका डाउनलोड स्पीड उतना ज्यादा आएगा। और आखिर में नीचे जो ओके बटन है उस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, या फिर एंटर आप कर सकते हैं। देखिए, हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये डाउनलोड जब चल रहा है तो एक और सेटिंग्स आपको चेंज करना होगा। क्या, आपको इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना होगा और जो प्रायोरिटी है इस पे जाके इसको हाई कर देना है। अब देखिएंगे आप कि ये फाइल जो डाउनलोड होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड में होगा। अब मेरा यहाँ जो 4G का स्पीड है वो अब दिखा रहा है 2.4 MBPS के आसपास, तो इस स्पीड में हो रहा है। अगर आपके पास डाउनलोड स्पीड इससे ज्यादा है या आप जिस एरिया में रहते हैं उस वहां नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा है तो स्पीड और भी ज्यादा देगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।